हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आज का जो मैच है ना वो है बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो। और आज के मैच का जो टाइमिंग है वो बहुत टट्टी रखा गया है, वो रात को 1 बजे होने वाला है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, मैं डिस्कॉर्ड में दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा मैं इस चीज़ का गारंटी नहीं देता हूँ। बट हाँ, हो सकता है कि मैं तुमको मैच दिखा दूँ डिस्कॉर्ड में, तो तुम डिस्कॉर्ड जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि मैं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा। बट हाँ, 80% श्योर हूँ कि मैं दिखा दूंगा। बट अगर बाई चांस फॉर एनी यू नो सर्कमस्टेंसेस मैं अगर नहीं दिखा पाया तो आई एम रियली सॉरी, मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर फॉर वॉचिंग द लाइव मैचेस, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में आते हैं। आज का जो मैच है अगेंस्ट सेल्टा वीगो, इट इज़ अ वेरी टफ मैच फॉर FC बार्सिलोना। मैं एकदम डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, कोई फालतू की फिलर्स कंटेंट नहीं, फालतू की कोई बकवास नहीं, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेंगे अपन आज। देखो भाई, सही सीधी सीधी सी बात है, हमने विलारियाल के साथ जो मैच खेला उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डाले हैं, ठीक है। हमारी परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, मैं अग्री करता हूँ। हमने 4-0 निकाला है मैच को, मजाक नहीं होता है, मैं अग्री करता हूँ। लेकिन तुमको एक चीज़ मेरे साथ यहाँ पर अग्री करनी पड़ेगी कि विलारियाल टट्टी खेल रही थी, ठीक है। विलारियाल जो है वो टट्टी खेल रही थी, तो इट वॉज क्वाइट एन ईजी मैच फॉर बार्सिलोना। अंसु फाटी स्टोल द शो, बंदे ने बहुत प्यारा परफॉर्मेंस दिया, 2 गोल मारा है, पेनाल्टी जीत के दिया बार्सिलोना का, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम अंसु फाटी। तो देखने वाली बात होगी, अंसु फाटी परफॉर्म सेम लेवल पे एस ही परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस मैच। अगर मैं सीधी सी बात करूं, देखो सेल्टा वीगो, अब इस मैच को ना तुम दो प्रस्पेक्टिव से ले सकते हो, सीधी बात मैं बता रहा हूं। एक प्रस्पेक्टिव ये है कि हाँ, सेल्टा वीगो थोड़ी सी टफ टीम है, ठीक है, उनके पास स्ट्राइकर्स अच्छे हैं, डिफेंडर्स अच्छे हैं, ठीक है, सही बजा। लेकिन तुम एक और प्रस्पेक्टिव से लो कि हमने लुइस एनरिके के समय से एक भी मैच जो है वो सेल्टा वीगो से उनके होम ग्राउंड में नहीं जीता है। तो जो बेलाडोइड का कर्स है वो चल रहा है बार्सिलोना में। From the last 5 matches which we have, you know, played against Celta Vigo in their hometown, we have only saw some losses, some draws, that's it. No wins at all. So it is a very tough fixture to play at Belladoid. हाँ, मैं समझ रहा हूँ कोरोना वायरस का समय चल रहा है, फैंस नहीं है, फैंस नहीं थे तो भी हमने हारा है। तो पिछले सीजन के बारे में बात कर लो, पिछले सीजन 2 matches थे Belladoid में, मेरे को याद है, बहुत अच्छे से याद है। और यही 2 matches में हम हारे हैं, बहुत बुरी शिकस्त पड़ी है, एक ड्रॉ हुआ है, वी हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाट कॉस्टेड अस द टाइटल। वही के चलते रियल मैड्रिड ने जो है वो टाइटल निकाल के गई लालीगा में। तो इट विल बी अ वेरी हार्ड मैच फॉर कोमन। और मैं तुमको आज एक चीज़ मैं एकदम कड़ी शब्दों में कह के देता हूँ, अगर आज का मैच बार्सिलोना निकाल के ले आती है सेल्टा वीगो से, जो हमने 5 साल से नहीं किया है, अगर आज कोमन की टीम निकाल के लिए आती है मैच, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, हम लालीगा जीतेंगे। अब ये मेरा कहना है, अब देखने वाली बात होगी कि ये होगा कि नहीं होगा बॉस, ठीक है। टुडे इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर रोनाल्ड कोमन, उसके टैक्टिक्स, उसकी टीम फिलोसफी, उसकी टीम की लाइनअप, पूरी बार्सिलोना की टीम के लिए आज टेस्ट है भाई साहब, कि क्या बार्सिलोना में वो दम है लालीगा जीतने की। UCL तो अभी दूर की बात है, UCL के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्या बार्सिलोना के अंदर दम है लालीगा जीतने की, आज उसका टेस्ट होने वाला है सेल्टा वीगो में, ठीक है। देखो, एक 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 बंदा है जो मेरे को बहुत डराता है सेल्टा वीगो में, उसका नाम है आसपास जो है ना, वो बहुत हैरी हेनरी बन जाता है भाई, हेनरी बन जाता है वो जब बार्सिलोना खेलने जाती है उसके होम ग्राउंड में, क्या गोल मारता है वो। तो मेरे को उससे डर है, उसके ऊपर तुम भी नज़र रखना। अगर मैं बार्सिलोना की एज अ टीम बात कर लूँ, देखो ठीक है, मैसी का जो है वो स्टेटमेंट आया है मैच में आने से पहले, मैसी कहाँ है, जो भी अभी बकवास चल रहा है, जो भी शिट हाउजरी चल रहा था इतने समय तक, ये सब चीज़ों को तुम एकदम कर लो, ठीक है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जो भी कर रहा था क्लब के लिए कर रहा था, एनीवेज वो सब चीज़ें सफल नहीं हो पाई, इन सब चीज़ों को तुम भूल जाओ। दी ओनली थिंग विच वी राइट नाउ हैज़ टू फोकस इज दैट वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। अब ये चीज़ लियोनेल मेसी ने कही है भाई, वो यूनाइटेड खड़ा है, वो कहा है कि मैं क्लब को 100% दे रहा हूँ। तब देखने वाली बात होगी कि क्या क्लब उसको 100% देती है कि नहीं देती है। एनीवेज गाइस, आज की अगर मैं टीम शीट के बारे में बात कर लूँ, तो आज की स्क्वाड शीट बाहर निकल के आ चुकी है और वो कुछ ऐसी दिख रही है। आज की स्क्वाड शीट में अगर तुम देखोगे तो सेम स्क्वाड शीट है, ठीक है। सम थिंग्स विच आर टू बी पॉइंटेड आउट इज, अगेन वी आर सीइंग रिकी पूछ, दिस टाइम वी आर सीइंग कॉन कार्ड, अरुजुआओ,
मिंगो एज वेल एज टेनास, तो इन लोग भी जो हैं वो हमको स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं। तो विल कॉनकार्ड विल गेट सम टाइम और नॉट, विल रिकी पूछ विल फाइनली गेट सम टाइम और नॉट, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, एक कमेंट था ये कह रहे थे कि भाई रिकी पूछ को समय क्यों नहीं मिल रहा है जब पेद्री को मिल रहा है। दी ओनली रीजन इज कि रोनाल्ड कोमन जो है वो पेद्री को एक ऐसे प्लेयर के रूप में देख रहा है जो हर एक पोजीशन में खेल सकता है मिडफील्ड के। वो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, वो ऐसा सेंट्रल डिफेंडर खेल सकता है, वो ऐसा लेफ्ट मिड खेल सकता है, वो ऐसा राइट मिड खेल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कोमन, पेद्री इज अ मोर वर्सेटाइल प्लेयर देन रिकी पूच, इसीलिए तुमको पेद्री ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हाँ, आज के मैच में देखने वाली बात होगी विल रिकी पूच बी स्टार्टिंग एट विल रिकी पूच फाइनली गेट हिज चांस और नॉट, बट आई रियली होप सो दैट ही कैन। अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात कर लूँ, ये स्टार्टिंग 11 जो तुमको स्क्रीन में दिख रही है वो पिछले मैच में जो है वो देखने को मिली थी। सम वॉट सिमिलर यही चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। देखो, अंशु फाटी तो ऑफकोर्स स्टैंड करेगा, जो कातिलाना परफॉर्मेंस वो दिया है ही डिजर्व टू यू नो स्टार्ट अगेन। कटिनियो भी स्टार्ट करेगा, डिजोंग भी स्टार्ट करेगा, अच्छा था। बट यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है बुस्केट्स की जगह आई गेस पिजानिच जो है वो अब फाइनली फर्स्ट टीम में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई सी पिजानिच ओवर बुस्केट्स, बट अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है ऑन द राइट हैंड साइड। क्या ग्रीजमैन को टाइम मिलेगा, क्या डेम्बेले को टाइम मिलेगा, क्योंकि डेम्बेले के तुम जान ही रहे हो स्पेकुलेशन चल रहा है मैन यूनाइटेड का। तो विल बी सीइंग डेम्बेले, क्योंकि हो सकता है कि डेम्बेले को परफॉर्मेंस का मौका दिया जाए और कोमैन ये कहे कि देख भाई मैं तेरे को खिला रहा हूँ आज के मैच में ग्रीजमैन के बदले, तू आज मेरे को दिखा दे कि क्या तेरे में दम है कि तू बार्सिलोना में रुक सकता है कि नहीं रुक सकता, तो आज खेल के दिखा दे मेरे को। तो हो सकता है डेम्बेले हमको देखने को मिल जाए। तो राइट हैंड साइड जो है वहाँ पर मैं थोड़ा सा अब अनश्योर हूँ कि कौन देखने को मिलेगा, बट अगर मेरे तरीके से कोमैन अनश्योर रहेगा तो ऑफकोर्स वी वांट टू सी ग्रीजमैन। और एक 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 बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीजमैन के बारे में कही जा रही थी कि ग्रीजमैन जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बार्सिलोना में। मैं कह रहा हूँ कि तुम चूतिए हो जो भी ये चीज़ कह रहे हो, ग्रीजमैन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बार्सिलोना में। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग गोल्स यार, कम ऑन, मूव फॉरवर्ड एंड देन। मतलब स्ट्राइकर तो गोली बनाएगा बस, और कुछ उसका काम नहीं भाई। उसकी पिच में काम देखो, उसका वर्क रेट देखो, वर्क एथिक देखो, इज वे बेटर देन व्हाट सुआरेस गिव और ब्रेथवेट कुड गिव टू अस। बंदा वापस आता है, बंदा रन्स बनाता है, ऑल दो डी जोंग उसके रन्स को नहीं रीड कर पाता है बिकॉज अभी तक वो फ्लूडिटी नहीं बैठ पाई है ना टीम में। बट आज के मैच के बाद और ऐसे तैसे तुम देखोगे धीरे धीरे हमारे हम एक सेम फॉर्मेशन को खिलाएंगे, सेम फिलोसफी को खिलाएंगे, तो वो फ्लूडिटी तुमको देखने को मिलेगी। और हो सकता है ग्रीजमैन वापस से खेल आग लगाने लग जाए, क्योंकि वो फ्लूडिटी नहीं है ना। जब तक एक जब तक प्लेयर्स जेल्ड नहीं रहेंगे अपने पोजीशन में, तब तक वो फ्लूडिटी नहीं तुमको देखने को मिलेगी। बार्सिलोना बैक इन 2015 इतनी फ्लूड क्यों थी, क्योंकि सेम फॉर्मेशन था, 4-3-3 था, कब बचपन से खेलते आ रहे हैं जो लोग, उन लोग को पता है कौन कब कहाँ पर निकलेगा, कौन कैसा रन बनाएगा, यहाँ का अब पास डालनी है। बट ये फॉर्मेशन थोड़ा नया है ना यार, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हाँ, ग्रीजमैन विल परफॉर्म, थोड़ा वक्त दो उसको, ठीक है। एटलीस्ट हजार टाइप तो नहीं है ना कि साल भर हो गया गोल नहीं मारा है भाई, तो ग्रीजमैन इज वे बेटर, टाइम दो। तो हाँ, राइट हैंड साइड हमको ग्रीजमैन देखने को मिल सकता है। ये है मेरी टीम स्क्वाड। अब बात आती है प्रिडिक्शन की। मैं कहता हूँ बार्सिलोना आज जीतने वाली है 2-1 से जीतेगी मेरे को लग रहा है। लेकिन तुमको क्या लग रहा है बॉस, तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि तुम्हारी प्रिडिक्शन क्या है। यही थी आज की वीडियो। दिस इज आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्का एल बार्सा, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू बार्सिलोना। लेकिन टाइम सही रखा करो यार, रात को 1 बजे माँ की कसम मैच यार, यार व्हाट इज दिस यार, डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे यार। बार्सिलोना फैन बन गए तो डार्क सर्कल बना दूंगे क्या यार, प्लीज़ यार, प्लीज़।